हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज हम 0 नंबर गोपाल जी की पोशाक बनाएंगे। 3 कलर हैं, देखिए तीनों मेरी प्लाई वाली ऊन है। ठीक है, आप नॉर्मल ऊन भी ले सकते हैं, प्लाई वाली थोड़ी नरम रहती है। देखिए वाइट कलर से मैं शुरू करूँगी बनाना। इसे घुमाएंगे क्रोशिए को। एक ये तो हमारा नोट लग गया, 1 2 इस तरह मैं 14 चैन बनाऊँगी अपनी। 3 4, ज़्यादा टाइट नहीं बनानी हमें चैन, ढीली बनानी है। इसके ऊपर हम दोबारा काम करना है। 1 2 3 4 हो गई, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ठीक है, 0 नंबर गोपाल जी के लिए 14 चैन ली है मैंने। अगर आपके गोपाल जी 1 नंबर के हैं तो आप 17 चैन लेंगे। ठीक है, देखिए वैसे वापस धागा रखेंगे, 1 2 वापस यहाँ से तीसरे में मैं अपनी चैन को भर लूँगी। ज़्यादा नहीं खींचेंगे क्रोशिए को, छोटा छोटा ही रखेंगे। देखिए प्लाई वाली ऊन से थोड़ी सफाई आती है और एकदम नरम बनती है बिल्कुल। इसी तरह मैं पूरी चैन ऐसे आपको भर के फिर दिखाती हूँ। ठीक है, ऐसे आराम से हमें ये अपनी पूरी चैन भर लेनी है। ओके, देखिए फ्रेंड्स मैंने अपनी पूरी चैन को भर लिया है। ये मेरे 12 डबल क्रोशिए बने हैं। अब देखिएगा एक चैन, ये धागा ऐसे ऊपर रख लेंगे हम, जो शुरू में छूटता है वो देखिएगा नहीं फिर। और ये दूसरी चैन, 2 चैन लेंगे, वापस मोड़ेंगे। सबसे पहले यहीं पे निकाल लूँगी मैं डबल, चैन के साथ में निकालेंगे। 1 आगे वाले हैं हमारे, इसमें मैं 2 निकालूँगी। ज़्यादा खींचेंगे नहीं डबल क्रोशिए को, नॉर्मल सा ही रखेंगे। 1 लूप में मैं 2-2 निकाल लूँगी। 12 बने थे मेरे निचले पहले राउंड में, अब ये मेरे 24 बन जाएंगे। 1-1 में मैं 2-2 निकाल लूँगी। ठीक है, अगर आपके गोपाल जी 1 नंबर के तो आपके ये पहले राउंड में 14 आएंगे, दूसरे राउंड में 28 आएंगे। ये मैं 0 नंबर की बना रही हूँ, पहले राउंड में मेरे 12 आए हैं, दूसरे राउंड में मेरे 24 बन जाएंगे। ठीक है, मैं आपको ये राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स मेरा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया, दूसरे मेरे 24 आए हैं। ऐसे घुमाएंगे, 2 की चैन लूँगी मैं, उसके आगे वाले में मैं डबल डालूँगी। ये सिंगल हो गया जो हमने 2 की चैन ली है, 1 मैं सिंगल डालूँगी बीच में और उसके आगे वाले में मैं डबल बना लूँगी। 1 दूसरा वहीं पे निकालेंगे, उसके आगे वाला सिंगल, आगे वाले डबल। ये तीसरा राउंड है, इसी तरह कंप्लीट करूँगी। 1 में सिंगल निकलेगा, 1 में डबल निकलेगा। ठीक है, 1 में सिंगल, 1 में डबल, ये पूरा राउंड इसी तरह कंप्लीट करूँगी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स मेरा तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। ऐसे गिनने मेरे 34 आए हैं ये। अगर आप 0 नंबर की बनाएंगे, ये देखिए 1 नंबर की शुरू हो गई यहाँ से, 1 नंबर की और ज़्यादा हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। 0 नंबर की बस शुरू में आप 2 सिंगल डाल लीजिएगा, उसके बाद में 1 डबल 1 सिंगल ऐसे कर लीजिएगा, फिर 32 आएंगे आपके ये। ठीक है, अब देखिएगा 2 की चैन लूँगी मैं, उसके आगे वाले में 1 डालूँगी। ये मेरे 2 हो गए, ये 3, और ये 4, और ये 5। ये सामने के पल्ले के मुझे 5 फंदे रखने हैं। ठीक है, अगर आप 1 नंबर गोपाल जी की बनाएंगे तो ये 6 कर लीजिएगा। ऐसे फंदा ऊपर हो गया, 1 2 3 4 5 6 छोड़ दिए हैं मैंने। 7वें के ऊपर जाके मैं ऐसे दोबारा अपना डबल क्रोशिया बना लूँगी। ये हम ज़्यादा नहीं खींचेंगे, छोटे छोटे बनाएंगे, 2 और ये 3, ये 4 5 6 7 8, ये 9, ये 10 11 और ये 12। पीछे के पल्ले के मैंने 12 बना लिए हैं,
देखिए, एक दो तीन चार पाँच छः हमें छोड़ने हैं, सातवें के ऊपर जाके एक दो तीन चार पाँच हमारे बिल्कुल सही आएंगे। एक दो तीन चार पाँच छः छोड़ के सातवें के ऊपर हमें ऐसे डबल क्रोशिया बनाना है। धागा हम पहले ऊपर रखते हैं क्रोशी पे, ताकि दोबारा ना हमें काउंट करना पड़े। ये तीन, ये चार और ये एक पाँच, हमारी ये चोली पूरी हो गई है। देखिए, घूम के वापस आए हैं। इस तरफ हम स्लिप स्टिच से इसको ऐसे जोड़ लेंगे। एक दो की चैन लूँगी, एक तो मैं यहीं पे दोबारा जोड़ लूँगी। देखिए, मेरे 10 फंदे मेरे सामने के पल्ले के हैं, 12 मेरे पीछे के हैं, टोटल ये मेरे 24 बन गए हैं। 5, 10 और 20 और 22 बन गए, सॉरी। ठीक है, ये देखिए मैंने 2 डाल लिए हैं, आगे जाऊंगी मैं डबल बनाऊंगी। एक सिंगल, एक मिनट। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है। एक में सिंगल डाला, एक में डबल, एक में सिंगल, एक में डबल, ये मेरे टोटल। देखिए, लास्ट में मुझे एक डबल डालिए, एक सिंगल, जहाँ पे मैंने चैन ली थी वहाँ पे मैं ऐसे डबल डालूँगी। अब एक बार, दो बार, ये मैं ऐसे इस स्लिप स्टिच से ऐसे बंद कर दूँगी। ये मेरे 34 आए हैं गिनने में। ठीक है, अब थर्ड राउंड देखिए घेरे का, नहीं सॉरी, सेकंड राउंड है ये। फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया हमने, 2 चैन लूँगी, वहीं पे डबल निकालूँगी जहाँ पे मैंने चैन बनाई है। अब एक सिंगल, एक मिनट, ये काफ़ी दूर हो जाता है। जहाँ पे हमने चैन बनाई है 2 की, वहीं पे निकालेंगे, ऐसे वापस ऐसे निकाल लीजिए। ठीक है, ये देखिए एक सार हो गया, आपको दिख रहा है। ये दोबारा यहाँ पे मैं डबल निकालूँगी, एक में मेरा एक फंदा कम है, 2 फंदे कम है मेरे, मैं बीच में एडजस्ट कर लूँगी इसको। ये मैंने डबल निकाली है, अब मैं सिंगल निकालूँगी। एक सिंगल, ये 2 सिंगल, ये मेरा तीसरा डबल हो जाएगा। एक और ये 2, एक में 2 निकाल लूँगी। अब देखिए, एक सिंगल, ये 2 सिंगल, ये तीसरा मेरा डबल। एक सिंगल, ये 2 सिंगल, ये तीसरा मेरा डबल। ठीक है, एक मिनट। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। लास्ट में मैंने पहले यहाँ पे डबल निकाल लिया, फिर एक सिंगल के बाद फिर डबल निकाल लिए। मेरा एक फंदा कम था, मेरा पूरा हो गया है। ये मेरे 48 फंदे हो गए गिनने में। ठीक है, देखिए लास्ट में मैं ऐसे स्लिप स्टिच से, देखिए मैंने एक यहाँ पे डबल निकाला, फिर सिंगल निकाला, फिर डबल निकाल लिया। मेरा एक फंदा कम था, वो मेरा पूरा हो गया। अब जहाँ पे मैंने चैन ली थी वहाँ पे एक और निकल गया। यहाँ पे ऐसे स्लिप स्टिचेस को बंद कर देंगे। 48 फंदे हैं मेरी ऐसे गिनने में। ठीक है, अब देखिएगा, एक की चैन, 2 की चैन। सबसे पहले तो मैं वहीं पर निकालूँगी जहाँ पर मैं चैन बनाती हूँ, उसके बाद में एक सिंगल, ये 2 सिंगल। अब मुझे अपने 2 फंदे सिंगल करने हैं और तीसरा फंदा मुझे डबल करना है। पहले राउंड में मैंने 2 सिंगल किए थे, तीसरा डबल किया था। अब मैं अपने 3 सिंगल बनाऊंगी। ये मेरे 3 सिंगल बन गए, अब ये चौथा फंदा मेरा डबल बन जाएगा। एक बार और ये 2 बार। देखिए, एक सिंगल, ये 2 सिंगल, ये 3 और ये चौथा फंदा मेरा डबल बन जाएगा। एक थोड़े में 2 निकाल लूँगी। पहला फंदा सिंगल, दूसरा फंदा सिंगल,
और ये तीन फंदे सिंगल, चौथा फंदा मेरा डबल आ जाएगा। ये राउंड भी मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड भी मेरा कंप्लीट हो गया है। ऐसे गिनने मेरे ये 60 फंदे आए हैं, ठीक है। देखिए स्लिप स्टिच से मैं वापस इसको बंद कर दूँगी और एक और राउंड हम एक और हाथ घुमा लेंगे। दो चैन लेंगे, सबसे पहले वहीं पे निकालते हैं जहाँ पे हमने चैन बनाई है अपनी। ये हमारी दो बन गए। अब देखिएगा, एक सिंगल, ये दो सिंगल, ये तीन सिंगल। सबसे पहले हमने दो सिंगल, एक सिंगल बनाया था, एक डबल, फिर हमने दो सिंगल, उसके बाद में एक डबल, फिर हमने तीन सिंगल, एक डबल। अब हम चार सिंगल बनाएंगे, तीन और ये चार, चार सिंगल, पांचवा फंदा मेरा डबल होगा। एक थोड़ में दो डाल लूँगी, एक सिंगल, ये दो सिंगल, ये तीन और ये चार, ठीक है। चार फंदे मेरे बिल्कुल सिंपल, पांचवा फंदा मुझे एक थोड़ दो बार निकालना है, एक बार वहीं पे दोबारा, ठीक है। और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ राउंड है हमारा, चौथा राउंड है ये। मैं आपको ये कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ, ठीक है। चौथे राउंड में हमें चार सिंपल बनाने हैं, दो चार, और पांचवा मुझे डबल करना है। ये घेरा भी मैं कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये चौथा राउंड भी कंप्लीट हो गया है। ऐसे मेरे ये गिनने में 72 आए हैं, 72 फंदे आए हैं। यहाँ पे लाके मैं स्लिप स्टिचेस को बंद कर दूँगी। मैं इसको कट कर दूँगी वाइट कलर को। देखिए हमारा छोटे से गोपाल जी की पोशाक बनेगी। अगर आप एक राउंड और निकालना चाहते हैं तो अब हम पांच फंदों के बाद अपना फंदा छठा बढ़ाएंगे। लास्ट में हमारे घेरे पे डिज़ाइन बनेगा, तीन तीन छोड़ने हैं हमें। उस हिसाब से आप एक और राउंड लगा सकते हैं। 72 फंदे मेरे चौथे राउंड में आए हैं, एक दो तीन चार, ठीक है। देखिए अब मैं अपना नेक्स्ट कलर लूँगी, ग्रीन कलर है मेरे पास दूसरा। एक तरफ से शुरू कर लेंगे, कहीं से भी कर लीजिए आप शुरू, इस तरफ से कर लेते हैं, ठीक है। बाहर हम ऐसे नोट लगा लेंगे और अंदर लेके आएंगे धागे को। एक, ये दो चैन, धागा ऐसे पीछे रख दीजिए, तीन चैन, जो फालतू होगा धागा वो कट हो जाएगा फिर। चार और ये पांच, ठीक है। पांच की चैन ले ली मैंने, दोबारा मैं यहीं पे निकाल लूँगी अपना डबल क्रोशिया नॉर्मल सा, ऐसे ऐसे धागा ऊपर रखेंगे। एक दो तीन छोड़ने हैं हमें, चौथे में जाके एक डबल क्रोशिया, एक दो की चैन लूँगी मैं, दोबारा फिर मैं यहीं पे निकाल लूँगी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक में दो निकाल लिए, धागा ऊपर रखेंगे। एक दो स्किप करने, मुझे तीसरे में निकालना है, तीन स्किप नहीं करने, ये ज़्यादा दूर हो जाएगा। एक दो छोड़ के तीसरे में मुझे अपना ये बनाना है, ऐसे नॉर्मल क्रोशिया बनाएंगे, दो चैन लेंगे, दोबारा फिर वहीं पे निकाल लेंगे। ये वी सी हमारी बनती जाएगी, ऊपर रखेंगे, एक दो छोड़ेंगे, तीसरे में मैं एक बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी, दो के बीच में चैन लूँगी, दोबारा फिर वहीं पे निकाल लूँगी। ऐसी मेरी वी की शेप आती जाएगी, ठीक है। एक दो छोड़ूंगी, तीसरे में मैं अपना ऐसे निकालूँगी डबल क्रोशिया, दो चैन हो गई मेरे बीच में, दोबारा फिर मैं वहीं पे निकाल लूँगी। एक दो छोड़ेंगे, तीसरे में अपना डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में दो चैन रखेंगे, दोबारा फिर वहीं पर निकाल देंगे। एक दो छोड़ूंगी, तीसरे में बनाऊंगी दो चैन, वापस फिर वहीं पे। ये पूरा राउंड इसी तरह कंप्लीट होगा। देखिए हमारी ऐसी वी बनती जाएगी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है,
ठीक है। देखिए लास्ट में मैं सबसे पहले ऐसे स्लिप स्टिच करूँगी, ये तो हमने जोड़ दिया, एक और हम ऐसे स्लिप स्टिच इसके अंदर ही करेंगे, ये दो बार हो गया, ठीक है। अब देखिएगा मुझे इसमें तो मैंने जोड़ दिया, इसमें मैंने डिज़ाइन बनाना है, ऐसे रखूँगी ऊपर, सीधा इस तरफ आ जाऊँगी। ये जो मैंने वी बनाई है, पहले इस वी को भरेंगे, फिर बीच में दो बनाएंगे, फिर इस वी को भरेंगे, ठीक है। ऐसे क्रोशे ऊपर रखेंगे, ऐसे पहली लूप उठाएंगे, ऐसे पकड़ लेंगे, एक मिनट देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऐसे धागा ऊपर रखा, यहाँ तो मैंने स्लिप स्टिच से जोड़ दिया, आगे वाली इस वी में जाना है मुझे, ऐसे पकड़ लेना है, एक डबल क्रोशिया, ये दो, ये तीन, चार और ये पांच, ठीक है। मैंने पांच डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये जो वी के बीच में ये जगह है, जैसे ये वी है इसमें मैंने पांच बनाए हैं, अब इसके ये बीच वाली जगह है इसमें मैं दो बनाऊंगी, यहाँ पे ऐसे उठा के दो डबल क्रोशिया मुझे यहाँ पे बनाने हैं, एक और ये दो, ठीक है। अब वी का ये दूसरा हिस्सा है, इसमें मैं अपने पांच बनाऊंगी, ऐसे पकड़ूंगी इस हिस्से को, इसमें पांच बनाऊंगी, एक, ये दो और ये तीन, ये चार और ये पांच, ये हमारा कुछ ऐसे डिज़ाइन आ जाएगा, ठीक है। अब आगे मेरी एक वी है, एक मैंने वी भर ली है, इसको मैं ऐसे स्लिप स्टिच से जोड़ दूंगी, एक वी में हम जोड़ेंगे, ठीक है, दोबारा धागा ऊपर रखेंगे, एक वी में हम डिज़ाइन बनाएंगे, इसको छोड़ देंगे ऐसे वी को बीच में, आगे वाली वी के ऊपर जाएंगे सीधा, ऐसे उठाएंगे इस लूप को, इसमें मैं पांच डबल क्रोशिया बनाऊंगी, एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच, ठीक है। एक वी की एक तरफ मैंने पांच क्रोशिया बना लिए। अब वी की बीच वाली साइड है, देखिए जैसी ये वी है एक तरफ मैंने बना लिए, ये बीच वाली साइड है, इसमें मैं ऐसे दो बनाऊंगी, यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनाऊंगी, एक, दोबारा फिर वहीं पे दो, ठीक है। अब बी का ये दूसरा हिस्सा है, इसको इस तरफ से पकड़ के ऐसे भर लूँगी, पांच मुझे इसमें बनाने हैं, एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच। आगे मेरी एक वी और आ रही है, उसके बीच में ऐसे स्लिप स्टिच से इसको जोड़ना है, इसमें नहीं बनाएंगे, फिर इस वी को छोड़ देंगे, ऐसे क्रोशिया रख के अगले वाली वी में फिर इसी तरह बनाऊंगी। एक बार मैं यहाँ पे पांच बना रही हूँ लूप उठा के, यहाँ पे बीच में मैं दो बना रही हूँ और पांच में इस तरफ बना रही हूँ, टोटल मेरे ये 12 बन रहे हैं। ये मेरा ऐसा डिज़ाइन आता जाएगा, ठीक है। ऐसे सीधा हमें वी में जाना है, एक वी में तो हमने जोड़ लिया, आगे वाली वी में जाके इसी तरह मैं पांच बनाऊंगी, एक, दो, तीन, चार और ये पांच, ठीक है, पांच हो गए मेरे। अब वी के बीच में मुझे ये यहाँ पे दो बनाने हैं, एक और ये दो, वी की इस तरफ भी मुझे अपने पांच बनाने हैं, वी के दो हिस्से हैं, दोनों को भरेंगे, बीच में दो डालेंगे, साइड में हम पांच पांच डालेंगे, तीन और ये चार और ये पांच, एक वी हमने भर ली, एक वी पे जाके हम ऐसे स्लिप स्टिच से इसको बंद करेंगे, दोबारा फिर अगली वाली वी में डिज़ाइन बनाएंगे। एक वी हम छोड़ रहे हैं, एक वी के ऊपर हम डिज़ाइन बना रहे हैं, देखिए हमारे घेरे पे ऐसे डिज़ाइन आता जाएगा। ये ऐसे पूरा मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। एक वी हमने भरनी है, एक वी पे हमने जोड़ना है, ठीक है, तो हमारे डिज़ाइन ऐसा बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरा राउंड कम्प्लीट कर लिया है, बड़ी क्यूट सी हमारी डिज़ाइन ड्रेस बनी है, देखिए, ठीक है। लास्ट में हम वहीं पे आ गए हैं जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया था, एक बार इसको ऐसे बना के कट कर देंगे, ठीक है। एक और डिज़ाइन बनाएंगे हम,
ये धागा हम ऐसे ले आएंगे अंदर। अब मैं अपना पिंक कलर लूँगी, एक में ऐसे जोड़ेंगे पिंक कलर को, इसे घुमा के बाहर नॉट लगा लेंगे, इसे अंदर लेके आऊँगी ऐसे एक। देखिए धागा मैं ऐसे साथ में रख लेंगे, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और ये 10। ठीक है, मैंने ये 10 बना लिए हैं। अब देखिए ऐसे मुझे ऊपर क्रोशे रखना है एक, इस तरफ से मुझे तीसरी चैन में ऐसे बनाना है एक डबल क्रोशिया, दोबारा वहीं पे बनाएंगे ये दो, दोबारा फिर वहीं पे ये तीन, एक में मैंने तीन निकालिए। आगे जाऊंगी, इसमें मैं तीन निकालूंगी, एक ये दो और ये तीन। फिर आगे जाऊंगी, इसमें मैं तीन निकालूंगी, जितनी भी मेरी ये चैन आएगी सब में मैं तीन तीन निकालूंगी, दो और ये तीन। उसके आगे वाली में एक ये दो और ये तीन, एक चैन में मैं तीन तीन निकाल रही हूँ, उसके आगे वाली में एक ये दो और ये तीन, उसके आगे वाली में लास्ट पे पहुंच गए हैं, एक वहीं पे दो और वहीं पे तीन। एक एक चैन में मुझे तीन तीन डबल क्रोशिए बना लिए हैं। ठीक है, ये देखिए ऐसे घूम के आ गया है, ये हमारा ऐसे घूम के ऐसे वापस यहाँ पे अटैच हो जाएगा, जहाँ पे मैंने शुरू किया था वहीं पे स्लिप स्टिचेस को ऐसे जोड़ दूँगी। एक दो तीन की मैं चैन लूँगी, आगे जहाँ पे मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच किया था यहाँ पे जोड़ दूँगी ऐसे, फिर तीन की चैन लूँगी, तीन इसके बीच में आना है हमें जो ये डिज़ाइन बनाया है, यहाँ पे आके फिर यही डिज़ाइन बनाएंगे हम। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। ठीक है, 10 की चैन ले ली है, वापस तीसरी में आऊँगी, एक डबल क्रोशिया, वहीं पे दोबारा दो, वहीं पे दोबारा तीन, एक एक में मैं तीन तीन बना रही हूँ। ठीक है, उसके आगे वाले में फिर जाएंगे, एक ये दो और ये तीन, एक लूप में मैं तीन तीन बना रही हूँ अपने डबल क्रोशे। ये तीसरी चैन है मेरी, दो और ये तीन, उसके आगे वाले में ये चौथी चैन आ गई, सभी में मुझे तीन तीन बनाने हैं, एक ये दो और ये तीन, ये पांचवी चैन है, एक ये दो और ये तीन। एक चैन में तीन लूप बनाने हैं मुझे, तीन डबल क्रोशिए और ये छठी, एक दो और ये तीन। ठीक है, देखिए हमारा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ये, वापस स्लिप स्टिच से इसको वहीं पे ऐसे जोड़ देंगे, एक दो तीन की चैन लूँगी, आगे जोड़ेंगे जहाँ हमने ये जोड़ा था एक वी में, फिर तीन की चैन लूँगी, इसके डिज़ाइन के बीच आके फिर ये डिज़ाइन बनाऊँगी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और ये 10। ठीक है, हमारे ऐसे डिज़ाइन बनते जाएंगे, ऐसे गोल करके हम इसको ऐसे बीच में ऐसे अपने आप एडजस्ट होता जाएगा, चाहे हम इसको बाद में एक एक टांका भी लगा लेंगे। ठीक है, पूरा राउंड मैं इसी तरह कंप्लीट करूँगी। ओके,
देखिए फ्रेंड्स, पूरा घेरा एकदम गोल घूम के आ गया है। लास्ट में मैंने ये बना लिया है, वहीं पे स्लिप स्टिच से इसको जोड़ दिया। एक दो तीन की चैन लेंगे, आगे वाले में ऐसे जोड़ेंगे, फिर तीन की चैन लूँगी, एक दो तीन, उसको आगे जोड़ दूँगी ऐसे। ये हमारा जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे वापस मुड़ के आ गए हम, एक चैन लेके, ठीक है। देखिए हमारा घेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। ये जो हमने कट किया है इसको अंदर छुपाएंगे धागे को। देखिए अगर आपके पास सितारे हैं तो ऊपर ऐसे घेरे पे एक एक सितारा लगा लीजिएगा पिंक कलर का, अगर नहीं है तो हम ऐसे ही पिंक कलर से डिज़ाइन बना लेते हैं। देखिए ये हमारा घेरा यहाँ से शुरू है, एक दो यहाँ पे बना लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे शुरू कर लेंगे, ऐसे पिंक कलर लेंगे, घुमाएंगे ऐसे धागे को, बाहर नोट लगा लेंगे ऐसे, उल्टी साइड है देखिए, ठीक है। नोट लगा के हम ऐसे ऊपर ले आएंगे, इस राउंड में आगे ऐसे क्रोशिया रखूँगी, धागा मुझे ऊपर लेके आना है और ऐसे निकाल देना है इसमें पीछे से। एक मिनट, मेरा ये ऐसे धागा लेके आना है मुझे नीचे से ऊपर और पीछे से ऐसे क्रोशे में निकाल देना है। आगे करेंगे क्रोशे को, धागा लेके आऊँगी नीचे से ऊपर, ऐसे निकाल दूँगे, फिर आगे जाएंगे, धागा ऐसे ऊपर लेके आएंगे, ऐसे निकाल देंगे। ढीले हाथों से करेंगे, ज़्यादा कसेंगे भी नहीं इसको, ऐसे हमारा धागा ऊपर आ जाता है। ऐसे निकाल के दोबारा ऊपर लेके आएंगे धागे को, एक हाथ हम ऐसे घुमा लेंगे। देखिए ये सेकंड फर्स्ट राउंड ये है, सेकंड राउंड के एंड में जहाँ हमारा थर्ड राउंड शुरू होता है वहाँ पे हो रहा है ये डिज़ाइन। इसी तरह मैं चारों तरफ घुमा के आपको फिर दिखाती हूँ, ठीक है। ऐसे राउंड घुमाना है मुझे, यहाँ तक वापस लेके आना है, ओके। देखिए फ्रेंड, जहाँ से मैंने शुरू किया था ऐसे घुमा के वापस मैं वहीं पे आ गई हूँ। अब इसको क्रोशे को निकाल देंगे ऊपर से, दोबारा नीचे डालेंगे, ये लूप मैं अपने क्रोशे में रखूँगी ऐसे और इसको मैं नीचे लेके जाऊँगी। नीचे पीछे ले जाके इसको नोट लगा के बंद कर देंगे। देखिए हमारी लूप अंदर चली गई है। इसे जंजीरी लेंगे, एक कट कर देंगे, ठीक है। हमारा डिज़ाइन ऊपर घेरे पे आ गया। अब मैं ऊपर ऐसे चोली पे हाथ घुमाऊंगी, आप किसी भी कलर का घुमा लीजिएगा। देखिए अगर आप ऐसे ही छोड़ना चाहते हैं ठीक है, ये फिर एक एक मोती लगा के इसको मैं दिखाऊंगी आपको, एक मिनट। ये हम हाथ घुमा लेते हैं चोली पे, चाहे आप पिंक कलर का घुमा लीजिए या ग्रीन का घुमा लीजिए, जो भी आपको सही लगता हो। पिंक कट घुमा लेते हैं, ऐसे डबल नोट लगा के स्लिप स्टिच से मैं यहाँ से लेके चोली को ऐसे राउंड में घुमा के वापस यहीं पे आ जाऊँगी। देखिए ऐसे पूरे राउंड में ऐसे की घुमाएंगे, जब ऊपर कोर पे जाऊँगी तो एक थोड़ में तीन निकाल लूँगे। देखिए सबसे ऊपर आ गई हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पे मुझे तीन निकालने हैं,
एक सार के, बाकी सभी में एक एक बार हाथ घुमा लूँगी। अगर आपको लगे कि थोड़ा दूर है तो एक में दो निकाल लीजिएगा तो भी ठीक है। ये पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आएंगे कोर पे, इसके अंदर भी हम तीन निकालेंगे, ठीक है। देखिए पलाई वाली ऊन है, एक दो धागा छूट जाता है। यहाँ पे कोर पे आऊँगी, यहाँ पे मैं अपने तीन निकालूँगी ताकि हमारा खिंचोना पड़े यहाँ से। एक, ये दो और ये तीन। अब यहाँ पे ये देखिए घूम के मैं दोबारा यहीं पे आ जाऊँगी, फिर बाजू में भी ऐसे घुमाऊँगी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स हमारी पोशाक तो कंप्लीट हो गई, अब हम कैप बना लेते हैं, मैजिक लुक बनाएंगे ऐसे। ठीक है, देखिए इसमें हमें छोटे छोटे ऐसे 10 डबल क्रोशे निकालने हैं अपने। ये मैं आपको 10 निकाल के फिर दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स हमने 10 निकाल के ऐसे खींच लिया धागे को, स्लिप स्टिच से नोट लगाएंगे ऐसे। एक चैन लूँगी, 10 के ऊपर ऐसे मुझे 10 स्लिप स्टिच बनाने हैं, चाहे धागा ऊपर रख के बना लीजिए। ऐसे तीनों को एकदम निकालना है। इसी तरह मैं आपको ये 4 राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। 10 के ऊपर ऐसे 10 निकालने हैं हमें, जब हमारा इस तरफ ऐसे जोड़ा जाएगा। देखिए घूम के हम इस तरफ आ गए हैं, तो इसको ऐसे स्लिप स्टिच से नोट लगाएंगे। एक चैन लेके दोबारा हम फिर अपना राउंड शुरू कर लेंगे। ऐसे मैं आपको 4 राउंड घुमा के फिर दिखाती हूँ, ठीक है। अगर आपके गोपाल जी एक नंबर के हैं तो 12 फंदे कर लीजिए ये वाले। ये 0 नंबर को आएगी आराम से कैप, हम बिग भी पहनाते हैं। ये मैं आपको 4 राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। देखिए मेरे 4 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। एक चैन लेके मैं यहाँ पे इसको कट कर दूँगी और अपना ग्रीन कलर लगा लूँगी। नोट लगा के लगाएंगे पीछे से हम ग्रीन कलर, ऐसे धागा घुमा के ऐसे अंदर ले आएंगे। देखिए एक थोड़ में ऐसे दो दो निकालूंगी अपने ग्रीन कलर से, डबल क्रोशिया ऐसे थोड़ा लंबा कर लेंगे, ये सामने झालर बन जाएगी। एक थोड़ में दो बार निकालूंगी, ये हमारे 20 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स मैं वापस यहाँ पे स्लिप स्टिच से ऐसे जोड़ के इसको कट कर दूंगी, धागे को अंदर छुपाएंगे। अब मैं अपना पिंक कलर लगाऊंगी। देखिए यहाँ पे लगाएंगे, ये जो हमने मैजिक रिंग बनाई थी ऊपर धागा है, इसको भी ऐसे नोट लगा के हम कट कर देंगे। एक तरफ में आपको ऐसे ये अब जोड़ है हमारा, ये पीछे चला जाएगा। यहाँ पे ऐसे उठाऊंगी, नोट लगा लूँगी। अच्छे से नोट लगाएंगे ताकि हमारा खुल ना जाए, डबल लगा लेंगे। वापस ऐसे क्रोशिया डाल के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हम छोटा बना लेंगे। वापस इस तरफ से दूसरी में, सेकंड में दो,
एक निकाल लिया, ये दो निकाल लिया और ये तीन, जैसे हमने घेरे में बनाया है वैसे ही बनाएंगे। आगे वाले में तीन निकाल लेंगे, एक दो और ये तीन, उसके आगे वाले में भी तीन, एक ये दो और ये तीन। तीन बार हमारे तीन तीन निकल गए हैं, एक बार और निकाल लेते हैं, ये हमारे चार बार हो जाएंगे, कैप के ऊपर हमारा डिज़ाइन आ जाएगा। एक ये दो और ये तीन, वापस वहीं पे इसको स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे, इस जंजीरे में कर लीजिए, एक जंजीर लेके कट करेंगे। देखिए हमारी कैप पे भी सेम वही डिज़ाइन आ गया है। इसे अंदर क्रोशिया लेके आऊँगी, यहाँ से लेके आएंगे जहाँ पे हमने शुरू किया था बनाना, ताकि हमारा ये ऐसे नोट लग जाए। ठीक है, देखिए बताइए कि जरूर आपको कैसी लगी। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।